तेजस्वी यादव बांह फैला फैला के जो टिकट देते हैं, मेरे वो नहीं चाहिए, मेरे अवतार पार्टी नहीं चाहिए। की बैसाखी पे नीतीश जी की बैसाखी पर नरेंद्र मोदी की सरकार, जैसे कुर्सी का एक पाया निकलेगा मोदी जी ढिलक जाएंगे। तो बिहार, दिल्ली में कुछ और बिहार में कुछ और नहीं ना हो सकता है। रेवंत रेड्डी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर, सुबह शाम अगरबत्ती जलाते हैं, तारीफ का कसीदा पढ़ते हैं, जिसकी इतनी हिस्सेदारी उसके इतने भागीदारी आपके पिताजी बोलते थे, लेकिन मुसलमान को देने वक्त आपको बहुत दिक्कत होता है। सब अपने घर ही में रखिएगा, आपके घर में भी दो सीट और मुसलमान को भी दो सीट, आखिर कब हिस्सेदारी दीजिएगा तेजस्वी जी? हरियाणा के यादव पसंद है, बिहार के यादव नहीं पसंद है। शरद जी अपना किडनी का डायलिसिस करा दिए, दुनिया से चले गए, उनके बाल बच्चे, उन्होंने पार्टी विलय कर दिया, लेकिन उनके परिवार के लिए राज्यसभा नहीं है। जो लेकिन जो मुंशी मैनेजर है, जो उनका ट्वीट लिख देगा, जो उनका फेसबुक लिख देता है, जो इंस्टाग्राम का रील बना देता है, वही प्यारा है। जो मनोज झा जी के बूथ पर भाजपा को वोट मिलता है, वही उनको प्यारा है, लेकिन अशफाक करीम साहब प्यारे नहीं है। अशफाक करीम साहब के नाम के अशफाक लगा है, करीम लगा है, नीतीश जी का हाथ जोड़ रहे हैं। अब वो जो एक आदमी रावण के वध में तीर तक नहीं चला पा रहे हैं, तो हाथ छोड़ दें नीतीश जी, अब आप संन्यास ले लीजिए। जनता के बीच भेजा है, जो पढ़ा लिखा लॉ ग्रेजुएट है, जिसका कुर्ता जितना साफ है उसका कैरेक्टर भी उतना ही साफ है, जो आज तक 107 का नोटिस भी नहीं लिया है। अब बेला में हमारी आबादी है, हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे ना सर? पहले जब बिहार में चुनाव हुआ करता था तो दो गठबंधन की चर्चाएं होती थी, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया हो, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की भी चर्चाएं हैं, इसलिए कि बेलागंज की जो सीट है वो हॉट सीट बन गई है, और यहां पर ओवैसी की पार्टी ने एक पढ़े लिखे व्यक्ति को चुनावी मैदान में उतारा है, और एमआईएम की जो पूरी टीम है वो बेलागंज में कैंप कर रही है। आदिल साहब, माहौल बड़ा अच्छा है, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एक नौजवान को एक वालिद ने जनता के बीच भेजा है, जो पढ़ा लिखा लॉ ग्रेजुएट है, जिसका कुर्ता जितना साफ है उसका कैरेक्टर भी उतना ही साफ है, जो आज तक 107 का नोटिस भी नहीं लिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तर उलीमान साहब ने चुना है। अब बेला में हमारी आबादी है, हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे ना सर? तेजस्वी यादव बांह फैला फैला के जो टिकट देते हैं, मेरे वो नहीं चाहिए, मेरे अवतार पार्टी नहीं चाहिए, खबर कर दीजिए। 38 में दो सीट, सब अपने घर ही में रखिएगा, आपके घर में भी दो सीट और मुसलमान को भी दो सीट, आखिर कब हिस्सेदारी दीजिएगा तेजस्वी जी? जयप्रकाश जी का, लोहिया जी का, कर्पूरी जी का फोटो लगा से नहीं होता है, उनके आदर्शों पर चलना पड़ता है। जिसकी इतनी हिस्सेदारी उसके इतने भागीदारी आपके पिताजी बोलते थे, लेकिन मुसलमान को देने वक्त आपको बहुत दिक्कत होता है, बतलाइए क्यों नहीं? सवाल यह है कि हमने एक रिपोर्ट की थी जिसमें 70,000 यहाँ पर यादवों की आबादी है, 62,000 मुसलमानों की आबादी है, तो इसी अधिकार के था आप लोगों को बता रहे हैं कि भाई अधिकार तुम्हारा होना चाहिए, लेकिन वो मिला नहीं आज तक। भाई हम यादव भाई से बहुत खुश हैं, मेरे भाई हैं वो, लेकिन तेजस्वी यादव उनको भी हिस्सा नहीं देते हैं। हरियाणा के यादव पसंद है, बिहार के यादव नहीं पसंद है। शरद जी अपना किडनी का डायलिसिस करा दिए, दुनिया से चले गए, उनके बाल बच्चे, उन्होंने पार्टी विलय कर दिया, लेकिन उनके परिवार के लिए राज्यसभा नहीं है। जो लेकिन जो मुंशी मैनेजर है, जो उनका ट्वीट लिख देगा, जो उनका फेसबुक लिख देता है, जो इंस्टाग्राम का रील बना देता है, वही प्यारा है। जो मनोज झा जी के बूथ पर भाजपा को वोट मिलता है, वही उनको प्यारा है, लेकिन अशफाक करीम साहब प्यारे नहीं है। अशफाक करीम साहब के नाम के अशफाक लगा है, करीम लगा है, तो भाई कब तक ये चलेगा? भाजपा से शुरुआत आपने की, 34 MLA से समर्थन से लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री बने और हम पर इल्जाम लगाते हैं। UPA 1 UPA 2 में जब शिरवानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, सोनिया जी मनमोहन सिंह साहब के बगल में बैठते थे, लालू जी 5 रंग का कुर्ता पहन के आते थे चेक वाला, तब भी तो ओवैसी ही थे ना वहाँ। तो बिहार, दिल्ली में कुछ और बिहार में कुछ और नहीं ना हो सकता है। रेवंत रेड्डी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर, सुबह शाम अगरबत्ती जलाते हैं, तारीफ का कसीदा पढ़ते हैं, लालू जी को वीडियो भेज देते हैं। जब 2005 में लालू जी के लिए कैंपेन में ओवैसी साहब आए थे, तब हम क्या थे? इसलिए मुसलमानों को हिस्सेदारी दीजिएगा। नीतीश कुमार से भी नाराजगी है, नीतीश कुमार थे कि हमने कब्रिस्तान करवा दिया, बहुत नीतीश जी का हाथ जोड़ रहे हैं। अब वो जो एक आदमी रावण के वध में तीर तक नहीं चला पा रहे हैं, तो हाथ छोड़ दें नीतीश जी, अब आप संन्यास ले लीजिए। आपको बिहार को स्पेशल स्टेटस दिला दीजिए, आपको हम लोग पूरा देश मांग करता है कि भारत रत्न आपको दे देंगे, लेकिन बिहार को जो आपने वादा किया था, बिहार को विशेष राज्य, आज आप ही की बैसाखी पे, नीतीश जी की बैसाखी पर नरेंद्र मोदी की सरकार, जैसे कुर्सी का एक पाया निकलेगा मोदी जी ढिलक जाएंगे। नीतीश जी से हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आजीवन रहिएगा, जितना जयप्रकाश जी का नाम था, लोहिया जी का था, कर्पूरी जी का, नीतीश जी आपका नाम उससे ज्यादा बुलंदी पे अल्लाह पहुंचा देगा। बिहार को स्पेशल स्टेटस दिला दीजिए, सीमांचल की बाढ़ की तबाही, AMU किशनगंज का मुद्दा, बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलाकर आप हमारे बिहार के सुनहरे अक्षरों में हो जाएगा। लेकिन अब बेलागंज में बड़ी चर्चा है, बेलागंज में बड़ी चर्चा है आपकी उम्मीदवार की, ये रिजल्ट में तब्दील होगा? देखिए हम तो जनता के अदालत में जा रहे हैं, अल्लाह से अच्छी उम्मीद है, हम तो अल्लाह से अच्छा तवक्को करते हैं, इखलास है नियत में। हमने दिखलाया 5 MLA, लोग बोलता था 1 MLA नहीं जीतेगा, 5 MLA अल्हम्दुलिल्लाह जीत के आए, तो जद्दोजहद करेंगे, मेहनत करेंगे, और कामयाबी तो अल्लाह के हाथ में। अब बेला को इतना साफ सुथरा MLA
कभी नहीं मिलेगा, जो आपका घर का है उनको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा मेरे भाई। न सरकार बनेगी न सरकार बिगड़ेगी, लेकिन मुसलमानों की क़यादत, दलितों की, वंचितों की बेबाक आवाज़ तरुलीमान साहब के साथ अगर शेरवानी पहन के जामिन साहब जाएंगे तो याद रखिए आपकी इज्जत बढ़ेगी। समझदार हैं आप, आपके मुद्दे पर मदरसा अजीजिया जला, न तेजस्वी बोले न नीतीश बोले। आप गिरिराज सिंह जब गाली देता है, जब प्रदीप सिंह कोई नहीं बोलता है खड़ा होता है, तो वही ओवैसी, वही अकबर, वही अख्तरुलीमान साहब, वही बैरिस्टर साहब खड़े होते हैं। अपनी क़यादत को पहचानिए, इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं बोल सकता है। आप अकलमंद लोग हैं, मांझी जी अपनी क़यादत कर लिए, मल्ला साहब कर लिए, यादव जी कर लिए, कुशवाहा साहब कर लिए, तो मेरी भी हिस्सेदारी है। हम भी फजले हक खैराबादी को मानते हैं, हम भी टीपू सुल्तान को मानने वाले हैं, हम भी वीर अब्दुल हमीद के संतान हैं, हम भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मानने वाले हैं, हमें भी हिस्सेदारी चाहिए। चलिए, आदिल साहब हैं, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यहाँ पर जो हमारी आबादी है उसके ही अनुसार सियासत में हम हिस्सेदारी मांग रहे हैं। इन लोगों ने हमेशा ठगा है, लेकिन जो हमारी हिस्सेदारी वो अब तय हो रही है, हमारी पार्टी, हमारे लीडर ये तय कर रहे हैं। और साथ ही साथ बेलागंज में जो हमारा उम्मीदवार है वो साफ सुथरी छवि का पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो बेलागंज के व्यक्ति अगर इनको अपना लीडर मानेंगे तो शायद इन्हें कभी भी सियासी मायूसी हाथ नहीं लगेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।